तो दोस्तों आज की मूवी ना काफी हाई-फाई फैंटेसी से भरी पड़ी है। अगर आप मान लो आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब एक दिन सुबह उठो और आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण है वो अचानक से चलना बंद कर दे, उसमें अलार्म घड़ी भी शामिल है, और अब जब बाहर निकल के देखो तो बाहर कार और बसेस भी नहीं चल रही है, मतलब अचानक से पावर फेलियर पूरी दुनिया में है। तो आप ऐसी स्थिति में किस तरह से सर्वाइव करोगे? तो आज की मूवी कुछ इसी प्रकार है। सो आई वाज एंड वेलकम आवर चैनल विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। मूवी शुरू होती है और हम जापान के टोक्यो शहर को देखते हैं, जहाँ पे हर रोज की तरह हलचल से भरी हुई भीड़ अपने काम में बिजी थी। इसी भीड़ के बीच हम एक ऑफिस में यूसी यूकी को देखते हैं, जो अपने काम में बिजी था और अब वो घर लौटता है। यूसी यूकी की एक फैमिली है जिसमें उसका एक डॉटर, एक सन और एक प्यारी सी वाइफ है, पर इन लोगों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये अपने गैजेट्स में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि ये आपस में अच्छे से बात भी नहीं किया करते। ये रहते तो साथ एक ही घर में, पर ये एक दूसरे से काफी कोसों दूर है। अब एक सुबह ये देखता है कि अलार्म घड़ी बजी ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लेट सोकर उठा है, वो ऑफिस के लिए लेट हो गया है। जब वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ उसकी वाइफ जो देखती है कि उसके कोई भी गैजेट्स काम नहीं कर रहे हैं, और उसकी तभी डॉटर देखती है कि उसका फोन भी बंद हो चुका है। अब ये लोग यहाँ पर तैयार होकर यूँ अपने ऑफिस के लिए और उसके दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग अपने अपार्टमेंट के बाहर लिफ्ट के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। ये अब सीढ़ियों से नीचे उतर जाते। यूसुम जब रेलवे स्टेशन में जाके देखता है तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, अब रेल भी नहीं चल रही होती। यूम जब नोटिस करता है उसके हाथ में जो घड़ी होती है वो भी बंद हो चुकी है। दूसरी ओर हम यूम के सन को देखते जो अपनी बाइसिकल से जा रहा होता है, और वहाँ आसपास के लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि अब कार और बसेस भी काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर यूसुम की वाइफ जो कि यहाँ अपनी लेडीज फ्रेंड से बात कर रही होती है, और यहाँ ये सब मिलकर ग्रोसरी लेने जाते हैं। यहाँ ग्रोसरी स्टोर में यूसुम की वाइफ देखती है कि सारे लोग जरूरत से ज्यादा सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने हालातों से डर चुके और उन्हें लग रहा होता है कि दुनिया के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। पर यहाँ पर यूसुम की वाइफ देखती है कि यहाँ पर डिजिटल कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो कैश पर ही सामान दे रहे थे। ये सुनकर सारे लोग वहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो दौड़कर एटीएम के पास जाते हैं, पर वहाँ जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि एटीएम मशीन भी अब काम नहीं कर रही है। अब हम यूसुम को देखते हैं जो कि ऑफिस में जा रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि उसके ऑफिस का गेट ही ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चला करते थे, और अब इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं। वो किसी तरह उस गेट को ओपन करके अपने ऑफिस में चले जाते हैं। यहाँ यूसुम देखता है कि उसके ऑफिस के कंप्यूटर्स और सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स काम नहीं कर रहे हैं, अब वो काम नहीं कर सकते थे। तो अब ये लोग घर लौट जाते हैं। यहाँ यूसुम एक साइकिल स्टोर पर देखता है कि अब साइकिल के दाम अचानक से बढ़ चुके हैं, क्योंकि और कोई व्हीकल्स रोड पर नहीं चल रही है, तो साइकिल से सब यूज कर रहे हैं, जिसकी डिमांड अब हाईली बढ़ चुकी है। पर किसी तरह यूसुम एक साइकिल अपने लिए ले आता है और उससे वो घर पहुँच जाता है। अब यहाँ रात में यूसुम की फैमिली साथ मिलकर कैंडल डिनर करते। अब कोई भी उपकरण नहीं चल रहा होता, इसके चलते यूसुम के बच्चे बोर हो जाते हैं, और ये साथ मिलकर तारों को देख रहे थे। अब चारों ओर ब्लैकआउट होने की वजह से टोक्यो सिटी में भी तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा नजारा इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। अब इसी तरह इन लोगों को 3 दिन बीत जाते हैं। अब टोक्यो शहर के हर एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल बदल चुकी है। ये जब पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े धुला करते थे, अब इन लोगों को हाथों से कपड़े धुलना पड़ता है। मतलब कि ये लोग जो अपने गैजेटों में निर्भर रहा करते थे वो आज खुद से काम कर रहे हैं। इधर हम यूसुम को देखते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे कह रहा था कि जब तक ये ब्लैकआउट खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम लोग ऑफिस नहीं आओगे, जिस पर यूसुम कहता है कि तो हमारी सैलरी का क्या होगा, हम बिना पैसों के अपनी लाइफ कैसे जी पाएंगे। जिस पर यूसुम का बॉस उन्हें कहता है कि अभी की कंडीशन देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, उन्हें खाना व पानी की चिंता करना चाहिए। और यूसुम देखता है कि उसका बॉस अपनी फैमिली के साथ टोक्यो शहर से बाहर अपने गाँव जा रहा है। अब इन हालातों में डैमों में पानी भी खत्म हो चुका था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से रिफिल हो ही नहीं पाए। इन हालातों की वजह से सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। अब एक दिन यूसुम के बच्चे देखते हैं कि उनके नेबर्स भी अपने अपार्टमेंट खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। अब यूसुम की फैमिली भी ये फैसला करती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अपना सारा सामान पैक करके साइकिलों में निकल पड़ते हैं। अब ये रास्ते से जाते हुए देखते हैं कि खाने व पीने का सामान बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अब ये लोग ना एयरपोर्ट की ओर जा रहे होते हैं। इन्हें कहीं से पता चला था कि अब भी कुछ फ्लाइट्स एयरपोर्ट से पैसेंजरों को ले जा रही है। ये लोग जब एयरपोर्ट पहुँच कर देखते हैं तो वहाँ पर काफी भीड़ होती है, मतलब कि इन्हें ये खबर गलत मिली होती है, यहाँ कोई भी फ्लाइट काम नहीं कर रही थी। अब इनके पास जो खाना बचा हुआ था ये लोग खाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि यूसुम के बच्चे ग्रोसरी शॉप पर काम का सामान ढूंढ रहे थे। अब यहाँ ना ही कोई सिक्योरिटी बची थी और ना ही कोई कानून। ये लोग अब किसी भी ग्रोसरी सामान पर जाकर कोई भी सामान ले आ सकते हैं। यहाँ ग्रोसरी शॉप पर देखते हैं कि वहाँ खाने व पीने का सामान तो है ही नहीं, वो सामान तो पहले ही लोगों ने लूट लिया है। पर यहाँ इन्हें कुछ काम का सामान मिल जाता है, जैसे लेकिन फायर क्रैकर वगैरह इन लोगों के पास खाना भी खत्म हो चुका था। यहाँ हमारा पैसे चलना बंद हो चुके थे क्योंकि पैसे कोई काम ही नहीं आ रहे थे। यहाँ लोग एक सामान से दूसरे सामान को एक्सचेंज किया कर रहे थे। यूसुम की वाइफ के पास कुछ ओल्ड रम्स की बोतल होती है, वो उन बोतल्स को उस बुरी औरत को दे देती है जिसके बदले उन्हें कुछ खाने का सामान मिल जाता है। अब ये लोग अपने सफर कहीं निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग टोक्यो सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। अब रात पे ये लोग जब सोए हुए होते हैं कि तभी इनके पास से एक वाटर बोतल को कोई दूसरा आदमी ले जा लेता है। मतलब कि अब खाने पीने के लिए लोग चोरियां भी करने लगे थे। अब अपने सफर में लोगों को 16 दिन बीत जाते हैं। ये नदी के किनारे बैठे हुए थे। यूसुम देखता है कि नदी में साफ पानी बह रहा है, तो वो वहाँ का पानी पी के देखता है जो कि उन्हें काफी बढ़िया लगता है। इन लोगों ने इससे पहले कभी नदियों का पानी नहीं पिया था। ये लोग वाटर बोतल का पानी पिया करते थे। अब इनके सफर के दौरान एक दिन बारिश होने लगती है और ये बारिश से बचने के चलते अपनी साइकिल को खड़ी करके एक दीवार के सहारे बच रहे थे। ये तूफानी बारिश बहुत तेज थी जिसकी वजह से इन लोगों की साइकिलें भी खराब हो जाती है और उनमें रखा सारा राशन का सामान भी नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से ये फैमिली काफी दुखी होती है और यूसुम और उसकी वाइफ यहीं पे रुकने का फैसला करते और उनके बच्चे पास में ही जरूरत का सामान ढूंढने निकल पड़े थे। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्रोसरी शॉप है और ये जब उसके अंदर जाता है तो वहाँ इन्हें कुछ जरूरत का सामान तो मिल जाता है। साथ ही ये लोग पैट फूड और जो बैटरी में पानी डाला करते थे वो पी के देख लेते और उसे अपने साथ ले आते हैं। और जब ये लोग वापस लौट कर उस पैट फूड को खाते हैं तो वो इन्हें अच्छा नहीं लगता, पर इन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खाना पड़ता है। अब उन्हें उन जरूरतों के सामान में अपनी साइकिल रिपेयर करने का सामान भी मिल चुका था, तो ये अपनी साइकिल भी रिपेयर कर लेते हैं और ये अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। ये उस एनिमल फूड और वो बैटरी का पानी पीकर अब 22 दिन बिता चुके थे। अब एक दिन इन्हें सफर के दौरान रास्ते पर एक फैमिली दिखाई देती है। वहाँ पर जो फैमिली होती है वो सर्वाइवर के हर एक तरीके जानती है। वो यूसुम की फैमिली को कुछ प्लांट्स के बारे में बताया जो ये लोग अपने सफर के दौरान कंज्यूम कर सकते हैं। वो फैमिली ना इन लोगों की एक तस्वीर भी लेती है। वो जिस कैमरे से इन लोगों की तस्वीर ले रहे थे वो कैमरा इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, वो रील वाला कैमरा होता है। वो इनकी तस्वीर लेने के बाद इनका पता पूछ लेते हैं और अगर हालात सुधरते हैं तो वो ये तस्वीर उनके घर पे पोस्ट कार्ड के जरिए भेज देंगे और फिर ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग फिश पकड़कर फिशेस खिला रहे होते हैं। ये लोग भी लाइन में लग जाते हैं, पर जब तक इन लोगों का नंबर लगता है तो वहाँ पर सारा खाना खत्म हो जाता है। ये सब देखकर ये फैमिली काफी दुखी होती है क्योंकि ये सभी भूखे थे। यूसुफ अपनी फैमिली को भूखा देखकर वो उस आदमी के पैरों पर गिर जाता है और उससे खाने की भीख मांगता है, पर इस पर वह आदमी उनकी मदद नहीं करता। अब ये लोग कुछ दूर आगे आ जाते हैं। इन लोगों की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि इन लोगों ने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था। यहाँ पर यूसुफ एक कीड़ा को पकड़ लेता और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक पिग दिखाई देता है और अब ये सभी मिलकर उस पिग को पकड़ते हैं। ये लोग उस पिग को पकड़ तो लेते हैं, पर यहाँ पर ये लोग उसे काट नहीं पाते कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो उस पिग के साथ इन लोगों को अपने घर ले जाता है। यूसुफ और उसकी फैमिली अब उस ओल्ड मैन के घर पे थी। ये लोग वहाँ पर बहुत अच्छा खाना खाते, इन्होंने काफी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। अभी यहाँ पर कुछ हफ्तों तक साथ ही रहते हैं। ये मिलकर उस बुढ़े आदमी की मदद करते हैं। वो बुढ़ा आदमी बहुत अच्छा होता है, वो इन लोगों की मदद करता है। अब यहाँ पर ये लोग इतने दिनों तक रहते हैं, यहाँ पर खुशी से रह रहे थे। अब एक दिन ये सभी अपने फादर के पास गाँव जाने का फैसला करते हैं और जब ये लोग जा रहे होते तो बुढ़ा आदमी ने खाने का सामान और पानी कुछ दे देता है तो कि इनकी रास्ते में मदद करेगा। वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब ये लोग कुछ दूर आगे जाने पर ये रास्ते पे देखते है कि सामने एक नदी है जो कि उस मैप पे नहीं थी। जो मैप इनके पास होता ना वो ओल्ड हो चुका था। अब इसकी वजह से ये लोग परेशान होते हैं। तभी यूसुम को आइडिया आता है कि वहाँ पर पड़ी लकड़ियों से वो एक राफ्ट बनाता है और वो उस राफ्ट के जरिए अपना खाने का सामान रख कर दूसरी ओर चले जाते हैं, पर उनकी साइकिल इसी तरफ रह चुकी थी तो वो राफ्ट लेकर फिर वापस आते हैं और अपनी साइकिल ले जाने का फैसला करते हैं। पर तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है जिसकी वजह से उस नदी का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तेज बारिश के होने के चलते उस नदी की धारा बढ़ चुकी थी यानी उसका बहाव तेज हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर यूसुम उस नदी के बहाव के साथ बह जाता है। उसका सन किसी तरह तो बच जाता है, पर यूसुम उस बहाव के साथ आगे बह चुका था। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूसुम की फैमिली उसे ढूंढ रही है। यहाँ पर जो यूसुम का सन होता है ना, मतलब कि उसका बेटा, उसे एक विक मिलता है जो कि यूसुम अपने सर में पहना करता था। इससे ये पता चलता है कि अब यूसुम उस नदी के साथ बह गया है और इन लोगों को लगता है अब यूसुम नहीं रहा, जिसके चलते ये लोग यहाँ पर रोने लगते हैं। अब ये अपने पिता और हस्बैंड को खोकर दुख से आगे बढ़ रहे थे। ये रेलवे ट्रैक पर चल रहे होते हैं कि तभी इनके बैग पर जो मीट रखा हुआ होता है ना, उसकी स्मेल से कुछ डॉग इनके और आ जाते हैं और वो डॉग यूसुम की वाइफ के पीछे जो बैग रखा होता है उस पर झपट पड़ता है, जिसकी वजह से वो रेलवे ट्रैक से नीचे गिर जाती है और उसे उसके पैर में चोट आ जाती है। यहाँ यूसुम की वाइफ को उसके डॉटर उसका सन ऊपर लाता है और उसे कंधे पे बैठा के ले जा रहे होते हैं। वो कुत्ते अब भी इनके पीछे लगे हुए थे। ये लोग यहाँ पर डर जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कुत्ते लगे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक ट्रेन आती है और ये ट्रेन देखकर खुश हो जाते हैं। ये ट्रेन ना कोयले से चलने वाली होती है जिसकी वजह से ये अभी काम कर रही थी। ये लोग उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और ये अब आगे जा रहे थे। दूसरी ओर हम नदी के किनारे एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि यूसुम की होती है। वो अभी मरा नहीं होता पर उसकी हालत भी कुछ सही नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए एक ट्रैक्टर के पास जाके बैठ जाता है। बहुत ज्यादा थका हुआ था। यूसुफ वहाँ बैठा ही हुआ होता है कि तभी उसके सामने से एक ट्रेन जा रही होती है और वो ट्रेन देखकर उसके पास जो फायर क्रैकर होता है उसे जला लेता है और उससे धुआं निकल रहा था। यहाँ हम ट्रेन में देखते हैं यूसुफ की फैमिली को, जहाँ पर उसकी वाइफ उस धुएं को नोटिस कर लेती है। उसे पता था कि उसके हस्बैंड के पास एक फायर क्रैकर था और वो यहाँ पर ट्रेन को रुकवा देते हैं और अब यूसुफ भी उस ट्रेन में बैठ चुका है। यहाँ यूसुफ की फैमिली यूसुफ को पाकर काफी खुश होती है। अब कुछ समय तक ट्रेन चलती रहती है। ये लोग अपने फादर के गाँव पहुँच चुके थे। इन लोगों को इस तरह रहते हुए 108 दिन से ज्यादा हो चुका था। यहाँ पर उन्हें बीच के किनारे उनके फादर मिल जाते हैं। अब इन लोगों को 2 साल 126 दिन इस गांव में रहते हुए बीत चुके हैं, मतलब कि 847 दिन, और ये यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं। यूसुफ और उसका बेटा अब मछलियाँ पकड़ा करता है और यूसुफ की डॉटर अपने लिए एक बुनाई का काम करना स्टार्ट कर दी है और ये इसी तरह यहाँ खुशी से रह रहे थे। एक सुबह हम लोग देखते है कि यूसुफ को उसकी अलार्म घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी और जब वो जाके देखता है तो उसकी अलार्म घड़ी चलने लगी थी। कुछ देर बाद उस गाँव का स्पीकर भी बजने लगा था और वहाँ पर लाइट आ चुकी थी, मतलब कि अब ये ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। और इसके बाद ये लोग टोक्यो पहुंच चुके हैं जहाँ पर अब सारे उपकरण काम करने लगे थे, जिसमें बसें और कार्स भी शामिल थी। यहाँ पर टोक्यो में न्यूज चल रही होती है कि ये ब्लैकआउट सन की यूवी रेस की वजह से हुआ है या फिर किसी देश ने हम पर साइबर अटैक किया था जिसकी वजह से ये ब्लैकआउट हो गया था, पर इसका असली रीजन कोई नहीं जानता कि ये ब्लैकआउट किस वजह से हुआ था। और यूसुफ और उसकी फैमिली घर वापस लौट कर काफी खुश थे। अब ये एक दिन अपने अपॉइंटमेंट के बाहर होते हैं कि तभी वो पोस्ट कार्ड आ जाता है जो उस फैमिली ने इनकी पिक्चर्स ली थी और उन्हें भेजा था। ये उस फोटो को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा ही पसंद आया तो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।